आप सभी अवगत हैं, सरकार शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की नीति ऐसे माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों के प्रति एक विशेष अभियान छेड़ रखा है, जिसके बहुत ही सार्थक परिणाम आए हैं। वो अपराधी जिन पे 5 लाख का इनाम घोषित हुआ था, उसमें अरमान, असद, गुड्डू और साबिर शामिल थे। लगातार हमारी एसटीएफ और सिविल पुलिस की टीमें इस महत्वपूर्ण घटना के अभियुक्तों को अकाउंट फॉर करने में लगी थी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस घटना के संबंध में पुलिस की वारंट बी इस लेके टीम 2 महत्वपूर्ण जगहों पर गई थी, तथा साबरमती तथा बरेली से, जो इसमें 2 साजिशकर्ता नामजद थे एफआईआर में, उनको लाया गया था। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है, और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। आज दिन लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पे जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया, तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी तथा उस मुठभेड़ में 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको आपराधिक कृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, क्रमशः ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर 455 बोर तथा वाल्थर P88 पिस्टल 7.62 बोर बरामद की गई है। हमारी टीम में जो लोग शामिल रहे हैं, उस टीम का नेतृत्व डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार तथा डिप्टी एसपी विमल कुमार सिंह ने किया है। इसके अतिरिक्त उस टीम में 2 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, 4 मुख्य आरक्षी, 5 मुख्य आरक्षी तथा 2 कमांडो भी शामिल रहे हैं। इन कर्मियों का नाम हम प्रेस विज्ञप्ति के रूप में अभी आपको जारी करेंगे, और आगे भी अपराध और अपराधियों के प्रति जो नीति शासन के निर्देश हैं, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की जो को निर्देश हैं, उसका अनुपालन हमारी जो एसटीएफ है, एटीएस है तथा सिविल पुलिस है, वो इनके उन्मूलन और सफाई में
आगे भी कार्य करेगी। समय समय पे जो भी उपलब्धियां होंगी वो आप सभी साथियों के साथ हम शेयर करेंगे।